हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग। जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि सिंपल कुर्ती की कटिंग बताई जाए, इसलिए मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे एक सिंपल कुर्ती की कटिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये मेरे पास कपड़ा था और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। ये देखिए, आप देख सकते हो। और जैसे कुर्ती की कटिंग, कुर्ती रेडी रखनी है 40 इंच की, तो मैंने 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा रख लिया। तो आप देख सकते हो 42.5 45 की मैंने लेंथ रेडी रख ली। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मेरे पास हिप है 22 की, ठीक है, 22 की हिप है, तो मैं यहाँ पर 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 26 इंच कर लिया, 25.5 या 26, अपने अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हो कि कितना मार्जिन आप कुर्ती में एक्स्ट्रा लेके चलना चाहते हो। तो इस तरह से आप इसको मार्क कर लोगे। अब हम इस पीस को अलग कर लेंगे। तो अब हम मार्क कर रहे हैं इसमें फिटिंग के लिए। सबसे पहले देखिए, जो चेस्ट में लगाऊंगी चेस्ट का निशान, वो मैं 10 पे लगाऊंगी, तो मैंने 10 पे एक मार्क कर लिया। फिटिंग, जो कमर की फिटिंग होती है, वो 13.5 पे एक मार्क कर लिया। और जो अपर हिप्स होता है, वो है 17.5 पे। ठीक है, अगर हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं, हमारी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी। और जो हमारी प्रॉपर हिप लाइन होगी, वो मैंने 22 पे मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 13 मैंने रखा 6 इंच का, ये देखिए 13 6 इंच का, और यहाँ पे मोटा रखूंगी 7.5 इंच का। आप अपने फिगर के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कमर जो चेस्ट की फिटिंग है वो रखने जा रही हूँ 10 इंच के डिस्टेंस पे, और ये है मेरी 39 की, 39 इंच की, तो 39 पे मार्क करूँगी मैं। ये देखिए 39 के हिसाब से मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद कमर की है 35 इंच पे, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे 39 बोला था, 39 इंच बोला, तो 1/4 पे मार्क कर लिया था मैंने 10.25 पे। ठीक है, तो अब जो कमर मैं लेने जा रही हूँ, ये है हमारी 36 पे, तो 36 का हिस्सा बन गया 9/4 बन गया। ठीक है, 9 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अपर हिप से 40 का, तो मैंने यहाँ पे 10 पे मार्क कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे 42 का, तो यहाँ पर मैं 10.25 पे मार्क कर लूँगी, 10.25 पे, तो मेरी प्रॉपर आ जाएगी यहाँ पर फिटिंग। तो अब देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर मार्क लाइन है। ये एक्चुअली हमें फिगर करना पड़ता है शेप के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो ऐसे आपको फिगर का ये लाइन लगानी है। ठीक है, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया, देखिए ऐसे। जिनको ये एक राउंड लगाने में प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे एक ऐसे वाली लाइन लगा ले और इसके बीच में ऐसे करके फिर इसको अपने अकॉर्डिंग डीप कट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको करूँगी कट। कटिंग से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लोगे, या आप अगर इससे ज़्यादा भी रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। कि हम तीरे पे ये थोड़ा सा 1 इंच से भी कम हम थोड़ी सी शेप दे लेंगे ऐसे, ये आप देख सकते हो ऐसे। अब इन दोनों पीसेस को मैंने अलग कर लिया। ये फ्रंट वाला हिस्सा है और इसमें मैं 1 इंच की डीप कट दे लूँगी, वो भी इस वाली शेप में, आप देख सकते हो ऐसे वाली। इससे क्या होता है कि आर्म होल में एक जो पफ सा बन जाता है, वो नहीं बनेगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक टुक कर लिया और एक टुक यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब मैं करने जा रही हूँ बैक नेक की कटिंग, वो मुझे रखना है 4.5। तो
तो यहाँ पे मैंने 4.5 पे मार्क लगाया, और जिसे नेक में रखूँगी 3 इंच का तो 3 इंच पे मार्क लगाया। अब यहाँ पर हम गुलाई करेंगे, पर कुछ लोगों को गुलाई करने में प्रॉब्लम आती है ना, गुलाई की शेप में वो एक ऐसे और ऐसे, एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, एक थोड़ी सी एरो निकालेंगे ऐसे, और इसको अपने अकॉर्डिंग कितना डीप ब्रॉड कितना भी देना चाहते हो आप देख सकते हो। ये देखिए, सो फ्रेंड्स आज हमने की है सिंपल कुर्ती की कटिंग, और आर्म्स की कटिंग, बाजुओं की कटिंग मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इस तरह से आप अपनी सिंपल कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।